नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। जिला शिक्षा अधिकारी का शासकीय हाई स्कूल बांसा में आकस्मिक निरीक्षण, एक भी शिक्षक समय पर उपस्थित नहीं मिले। यही नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी जब क्लासरूम में गए तो वहां कक्षा 10 की छात्राएं झाड़ू लगाते नजर आए, जबकि इसके लिए वहां पर एक अलग से चौकीदार नियुक्त है। शिक्षकों की अनुपस्थित को लेकर प्राचार्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात जिला शिक्षा अधिकारी ने कही। शासकीय हाई स्कूल बांसा में छात्राएं लगा रही झाड़ू, जिला शिक्षा अधिकारी के औचक निरीक्षण से हुआ खुलासा। मौके पर कमियां ही कमियां पाई जिला शिक्षा अधिकारी ने। रीवा जिले के शासकीय हाई स्कूल बांसा का आकस्मिक निरीक्षण जिला शिक्षा अधिकारी रीवा द्वारा आज किया गया, जहां पर 10:35 पर एक भी शिक्षक संस्था में उपस्थित नहीं थे। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चों से प्रार्थना कराई गई। प्रार्थना में छात्रों द्वारा अशुद्धियां ही अशुद्धियां दी जा रही थी, जिसे जिला शिक्षा अधिकारी ने ठीक कराया। भविष्य में प्रार्थना की हर लाइन को शुद्धतापूर्वक गाने के लिए कहा, छात्रों को समझाइश दी। उसके बाद अध्यापन कक्षों में जाकर निरीक्षण किया तो पाया कि कक्षा 10 की छात्राएं कमरे में अपनी क्लास में झाड़ू लगा रही हैं। संस्था में जबकि एक चौकीदार इसी काम के लिए पदस्थ है, फिर भी छात्राओं का झाड़ू लगाने को देखकर जिला शिक्षा अधिकारी चौंक पड़े। उनका साफ तौर से कहना, मैं इसको लेकर कठोर कार्रवाई प्राचार्य और चौकीदार के खिलाफ करने जा रहा हूं। छात्रों से जानकारी लेने पर पता चला, किसी भी विषय के शिक्षक द्वारा गृह कार्य के नियमित जांच नहीं कराई जाती, मासिक मूल्यांकन भी नहीं हो रहा। कक्षा में शिक्षकों की फोटो लगाने का स्पष्ट निर्देश के बावजूद किसी भी कक्षा में फोटो नहीं। मनमानी तरीके से कर्मचारी जब मर्जी से आते हैं, जब मर्जी से चले जाते हैं। पूछताछ में जिला शिक्षा अधिकारी को इस बात की भी जानकारी हुई, अर्धवार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका छात्रों को आज तक नहीं दिखाई गई, जबकि छात्रों की उत्तर पुस्तिका दिखाने के स्पष्ट निर्देश हैं, बच्चे अपनी गलतियां सुधार सकें, भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति न हो। वरिष्ठ कार्यालय के निर्देश का संस्था के प्राचार्य द्वारा खुलेआम उल्लंघन, जिसके लिए संस्था प्रमुख खास तौर से जिम्मेदार। जिला शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद उपाध्याय साफ तौर से कहते हैं, मैं कठोरतम अनुशासनात्मक कार्रवाई करने जा रहा हूं इस प्राचार्य के खिलाफ। अभी ये किस विद्यालय का निरीक्षण किया गया और आपके द्वारा और क्या क्या कमियां वहां पाई गई? आज ठीक 10:30 मैं एक हाई स्कूल वहाँ से निरीक्षण करने पहुंचा तो देखा कि 10:35 तक वहां पर एक भी शिक्षक उपस्थित नहीं हुए। बच्चे मैदान में खेल रहे थे, तो जब मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा प्रार्थना का समय क्या है, तो बोले प्रार्थना का समय हो गया। मैंने उनको लाइन में खड़ा कराकर प्रार्थना कराई। प्रार्थना कराने में हमने देखा कि बच्चियाँ जो है शुद्ध प्रार्थना नहीं कर पा रही थी। मैंने उनको प्रार्थना की एक एक लाइन की शुद्धता के बारे में बताया। इसके बाद मैं कक्षा में गया, कक्षा 10 में मैं प्रवेश किया तो वहाँ पर बच्चियाँ झाड़ू लगा रही थी। तो मैंने जब पूछा कि तुम लोग झाड़ू क्यों लगाती हो, तुम्हारे चौकीदार नहीं है, पता चला कि वहाँ एक चौकीदार पदस्थ है। उस चौकीदार के रहने के बावजूद भी बच्चे कक्षा 10 की झाड़ू लगा रही थी। सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक बात ये मुझे मिली। अब मैं उस प्रिंसिपल के खिलाफ कठोर कार्यवाही करूंगा, क्योंकि कर्मचारी यदि नियुक्त है किसी काम करने के लिए, उसके बावजूद भी हमारी बच्चियां झाड़ू लगा रही हैं, ये बहुत ही बड़ी लापरवाही है प्रिंसिपल की। कौन से स्कूल का मामला है सर? ये शासकीय हाई स्कूल बांस है। और क्या विनोदी संकुल में आता है? और क्या क्या कमियाँ पाई गई सर? और वहाँ तो मतलब हर प्रकार की अराजकता देखने को मिली। एक तो सफाई का पूरे स्कूल में बिल्कुल अभाव पाया गया। शिक्षक टाइम से पहुँचे नहीं, जबकि शिक्षकों को आधा घंटा पहले पहुँचने का निर्देश है। बच्चों से मैंने पूछा कि आप लोगों के छमाही परीक्षा की कापियाँ आपको दिखाई गई कि नहीं दिखाई गई, किसी भी छात्र ने नहीं बताया कि फिर छमाही की कापियाँ दिखाई गई, जबकि स्पष्ट निर्देश है कि बच्चों की कापियाँ उनको दिखाई जाए ताकि बच्चे अपनी गलतियों को देख सकें और उस गलती को दोबारा ना करें। तो उनकी कापियाँ नहीं दिखाई गई। बच्चों के मासिक मूल्यांकन के बारे में जानकारी ली गई तो पता चला कि उनका कोई मासिक टेस्ट भी नहीं होता है। होमवर्क की कापियाँ मैंने चेक किया 2-4 बच्चों की, तो मैंने देखा कि किसी भी बच्चे की होमवर्क की कॉपी शिक्षक द्वारा चेक नहीं है। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।